तगड़ी नींद आ रही थी भाई मेरे को तो कसम से, लेकिन तब भी कंट्रोल करके, क्योंकि सारे फैमिली है तुम्हें पता है, फिर अब रेस्ट लेके आराम से चले। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम निकल चुके हैं अब गांव की तरफ, अपने हिमाचल की तरफ, कांगड़ा की तरफ बोले तो। तो आज हम निकल रहे हैं, अभी हमने अपने चाचा चाची को उठाना है, उनको साथ में लेके चलना है हिमाचल, लेके जाएंगे उनको भी साथ में। और ये फुल ब्लॉग मतलब सुबह अभी टाइम हो रहा है कितना, 11:30 सुबह नहीं सॉरी रात के हो रहे 11:30। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा उधर से उनको लेके आना, पहले फिर जाके रास्ते में हिमाचल वाले रास्ते पे चढ़ना है। तो अभी 11:30 हो रहे हैं रात के, रात को सही है यार, ट्रैफिक कम मिलता है और तो कुछ नहीं, सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी हमने, ये भी देख लो। तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ये चीज वीडियो ऑन करके याद आई है हमें, और ये याद रखो देख लो। तो चलो कुछ है कि मतलब वीडियो बना रहे तो ये तो याद रह रहा है ना कि भाई बेल्ट भी पहननी चाहिए, ये भी करना चाहिए। ये होगा पूरा नाइट वाला व्लॉग समझ लो, नाइट नाइट में निकल रहे हैं हम पूरा, क्योंकि यार नाइट में सही रहता है। हम अभी है सिग्नेचर ब्रिज पे, जो कि दिल्ली में है सिग्नेचर ब्रिज। ओके सॉरी, ये तो आपको पता नहीं दिल्ली में है, लेकिन भाई साहब बहुत तगड़ा ब्रिज है यार, कुछ भी बोलो आप। आपने देखा होगा, आधे बंदों ने तो घूम के देखा होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा वो देखो, एकदम मस्त। तो गाइस हमने ले लिया अपने चाचा चाची और उनके दोनों बच्चे, तो हम निकल रहे हैं फुल नाइट में, और क्या बोलते हैं, मजे से जाएंगे राम राम से, धीरे धीरे सेफली पहुंचना है, पूरी नाइट चलानी है सुबह तक। और कुछ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, हाय हाय करना है किसी को, बोली ला कुछ बोलना ना है, बोल दे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बस। देखते अब कितने देर में पहुंचते हैं सुबह, अब 1 बजने वाला हो गया है ना, 1 बज गया, और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तब तक के लिए भाई आराम से गाड़ी चला दो भाई। Keep all your game as a loss, as a loss. It's all the same. As in lows, as in lows. Keep all your game. As in lows, as in lows. तो गाइस इस बस को देखो कैसे चल रही है, एक साइड नीचे को एक साइड ऊपर को, मतलब यार टेढ़ी चल रही है बस।
गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और ड्राइव करके थक गया यार, नींद भी आने लगी थी तो भाई चाय पीनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या यार, हम मतलब रुकते यहीं पे हैं, चाहे पैसे जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन रुकते इधर ही हैं। तो अभी चाय पियेंगे यहाँ पे और फिर चलते हैं आगे। अभी तो लगेगा टाइम, अभी तो अम्बाला तक पहुंचे अम्बाला, तो अभी देखते हैं चाय वाय पी के फिर निकलते हैं आराम से फ्रेश वगैरह होके। आज यार पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ मतलब गाड़ी चलाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ रास्ता कवर नहीं हुआ इतना ज्यादा, है ना। 1 बजे से चला रहे थे यार, 4 बज गए लेकिन पहुंचे हम अम्बाला तक है। अभी ये नहीं समझा रहा कि ऐसा क्यों हुआ, नींद तो आ रही है। देखो चाय वगैरह पीते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। आज चलते हैं अब घर की तरफ, बहुत लंबा सफर है वैसे ही, और चाची तो आए नहीं, चाची गाड़ी में थे, हम चारों ने चाय पी। अभी वो छोटा एक है ना, वो सोया हुआ है अभी इसलिए। तो अब चलते हैं यहाँ से, तो यही है ना, चलांदा मैं। लेट्स गो, चलांदा रहा ली, तू टेंशन का ला दे। बारिश लगती हुई धीरे धीरे, और हमारे जो गेस्ट हैं पीछे वो आधे सोए हुए हैं आधे उठे हुए हैं। भाई अभी देखो 5 बजने वाले हैं और हमने अभी चंडीगढ़ भी क्रॉस नहीं किया है, तो अब मेरी तो गलती नहीं है भाई, मैं तो 1 बजे चले थे, 5 बज गए हैं, 5 घंटे का सफर होता है चंडीगढ़ का, और वो भी चंडीगढ़ भी नहीं पहुंचे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं पता नहीं है, नींद में चलाई आधी गाड़ी वो। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और अब काकू चला रहा है थोड़ी देर के लिए गाड़ी, थोड़ी देर के लिए ली मतलब ज्यादा देर के लिए, मैं थक गया था। अब हमने कर दिया चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया, ओके। अब यहाँ से है 4 घंटे का रास्ता है, तो इसके हवाले है चलाए, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, ठीक है बाय बाय। हल्की हल्की बारिश, काफी गुड ड्राइविंग, मजा आ जाता है। वाइपर चला रखे हैं, हमारे वाइपरों की आवाज आ रही है, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, रेस्ट चला रहा है। चाय पीनी पड़ेगी अब फिर से एक और बार, और अभी हमें तुम्हारा काम
वो क्या बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, मतलब अभी है, दूर है, ये नहीं पता मेरे को कहाँ पे हम हैं कहीं पे, लेकिन अभी हम ढाबे पे रुके हैं अभी और चाय पियेंगे, साथ में कुछ खा लूंगा थोड़ा सा, नहीं तो तगड़ी नींद आ रही थी भाई मेरे को तो कसम से, लेकिन तब भी कंट्रोल करके, क्योंकि सारे फैमिली है तुम्हें पता ही है, फिर अब रेस्ट लेके आराम से चले तक। तो अभी मंगाया दो दो चाय और एक पराठा, मैं ही खाऊंगा, बस नींद आ रही है भाई, अब नहीं आएगी, पर अब मैंने मूवी धो लिया, बाकी अब देखते हैं, 3 घंटे और समझ लो। अभी हमने गोंडा क्रॉस कर लिया है, जो कि करना था हमें हिमाचल पहुंचने के लिए, नहीं वैसे क्या बोलते हैं, बाकी अभी तक अगर व्लॉग में कुछ मजा आ रहा है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो ये मंदिर पड़ता है हमारे गांव जाने, मतलब जब जाते हैं तो रास्ते में, बंगलामुखी माता मंदिर का, माता जी का, तो ये है। सो गाइस पहुंच चुके हम, गए हुए हैं पहुंच चुके हैं अपने हसीन वादियों में, हरे भरे देखो एकदम पूरा मस्त, एकदम नेचर बोलते हैं यार इसको। अच्छा हमको सिखा रिया है, मतलब पूरी तरह देख लो एकदम हरा हरा हो रखा है, झरने भी निकल रहे हैं हल्के हल्के से, और खाट दिखाते हैं आ जाए इनको, तो वो रही खाट, इसमें हम नहाते भी हैं, लेकिन अभी बरसात है तो अभी नहा नहीं सकते हम, इसलिए